समाजवादी पार्टी ने आजम खान की विधानसभा सीट रामपुर से आजिम राजा को प्रत्याशी घोषित किया है। उनका मुकाबला भाजपा के आकाश सक्सेना से होगा। आजिम राजा की गिनती आजम खान के बेहद करीबी लोगों में होती है। आजिम राजा रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पद पर रहे हैं। वे शहर के जाने माने लोगों में शुमार हैं। आजिम राजा शमसी बिरादरी से आते हैं। जानकारों के अनुसार उनकी अपनी बिरादरी में भी मजबूत पैठ है। आजिम राजा पहले व्यापारी नेता भी रहे हैं। लंबे समय से सपा से जुड़े हुए हैं। लोकसभा उपचुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव के लिए भी आजिम राजा के नाम की घोषणा खुद आजम खान ने ही की। लोकसभा के उपचुनाव में भी आजिम राजा को प्रत्याशी बनाया गया था, तब वे दूसरे नंबर पर रहे थे। लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अब सपा ने एक बार फिर आजिम राजा पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान की 3 साल की सजा के बाद रामपुर सीट से उनकी सदस्यता चली गई थी। रामपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में बीते कई दिनों से नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन सपा ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था। अभी तक आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा का नाम जोर शोर से चल रहा था। पार्टी ने प्रत्याशी तय करने की जिम्मेदारी आजम खान पर ही छोड़ दी थी। उन्होंने मंगलवार को सपा कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई और फिर आजिम राजा के नाम का बतौर प्रत्याशी ऐलान किया। भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना से अब उनका मुकाबला होगा। आकाश सक्सेना की गिनती आजम खान के प्रबल विरोधियों में होती है। बता दें कि रामपुर सीट पर 18 नवंबर तक नामांकन होगा, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।